Welcome back. Cell S full, structural and functional unit of life. बहुत सारे बच्चों ने बोला सर थोड़ा सा सॉलिड सॉल्वेंट सॉल्यूशन के कंसेप्ट को क्लियर कर दो, बट थोड़ा मैं भी आपसे नाराज हूं। आप पूरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसको लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत बोलो, सो दैट आपको आगे के जो अपकमिंग बहुत ही ट्रिक्स वाले एंड इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हम सीखने वाले वो आप तक पहुंच जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू यस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सो हियर लेट अस फर्स्ट डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का डेफिनेशन। थोड़ा आप बोलेंगे सर ये दोनों डेफिनेशन जब पढ़ते तो सामने वाला हमें पागल बनाता है, क्यों? अब डेफिनेशन भी पागल वाले। थोड़ा डेफिनेशन की तरफ देखिए, अभी सोल्यूट को हम क्या बोलते हैं? इट इज अ सब्सटेंस विच गेट डिजॉल्व इनटू सॉल्वेंट। देखिए सोल्यूट इज द सब्सटेंस विच गेट्स डिजॉल्व इनटू सॉल्वेंट, लिख लो फटाफट, सोल्यूट इज अ सब्सटेंस विच गेट डिजॉल्व इनटू सॉल्वेंट। अभी सॉल्वेंट उल्टा है क्या? इज अ सब्सटेंस इन विच सोल्यूट गेट डिजॉल्व, मतलब तू कहां रहता है? मेरे बाजू में। मैं कह रहा था तेरे बाजू में, दोनों कहां रहते हैं? शमशान में। नहीं, डेफिनेशन ध्यान दे। तो सोल्यूट इज द सब्सटेंस विच गेट डिजॉल्व इन टू सॉल्वेंट, वेल सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस इन विच ए सोल्यूट गेट डिजॉल्व। तो ये डेफिनेशन पक्का होने के बाद में एज फार एज सेल चैप्टर हमारा ये चैप्टर कंसर्न है, हमारे लिए सोल्यूट क्या है? जनरली सोल्यूट इज अ शुगर, सोल्यूट इज अ सॉल्ट एंड अदर केमिकल्स, वेल सॉल्वेंट 99.99999% वॉटर। सॉल्वेंट क्या है हमारे पास? वॉटर। तो इमीडिएटली एल से सॉल्वेंट यहां पे इज वॉटर, तो हमारे पास में सॉल्यूशन बनते हैं। गेटिंग इट ऑर नॉट? तो ये देखने से पहले मैं आपको दो सॉल्यूशन पिलाऊंगा, आप जितना ग्लास चाहे उतना पी सकते हैं फ्री में। एक सॉल्यूशन में ये एक ग्लास में आप जितना पीना उतना, लेकिन कॉम्पोजिशन रहेगा, मैं एक ग्लास पानी लूंगा उसमें एक चम्मच शुगर डालूंगा, 1 टीस्पून ऑफ शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट एंड थोड़ा सा लेमन, क्या बनेगा? लेमोनेड, नींबू पानी, बराबर है? आपको उसमें चाहिए तो थोड़ा चाट मसाला डाल दो, थोड़ा इलायची पाउडर डाल दो, और कुछ अच्छा लगता है उसमें वो शेजवान चटनी डाल दो, जैसे आपको मर्जी चाहे वैसे मस्त नया ड्रिंक बनाओ, कॉकटेल मॉकटेल। सो यहां पे वी हैव लेमन जूस। अब कॉम्पोजिशन पे आ जाओ वापस एक बार। कॉम्पोजिशन में एक ग्लास पानी में जस्ट 1 टीस्पून ऑफ शुगर है। आपको बहुत प्यास लगी है, जितना पीना उतना पी लो। ये नहीं पसंद तो दूसरा वाला सॉल्यूशन देता हूं आपको। ये वाला सॉल्यूशन में एक ग्लास ये जो पानी है इसमें मैंने 15 टीस्पून शुगर डाला है। भैया इतना डालने के बाद में क्या बनेगा? हाँ वो गुलाब जामुन रहता ना जिसमें, हाँ गुलाब जामुन का पाक बनेगा। पियो ना 2-4 ग्लास, नहीं पी सकते। क्यों? यस शुगर बहुत ज्यादा है, तो आप वर्ड यूज करते हैं वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड। तो यही हम सीखना है, बराबर नहीं है? आप गौर करो, सुबह सुबह आपके घर पे भी सोल्यूशन वाला आता है, गौर किया है कभी? सोल्यूशन वाला मतलब यस करेक्ट है, दूध वाला। क्या करता है वो? एक तो दूध में पानी डालता है, नहीं तो पानी में दूध डालता है। कैसे? आप बोलेंगे भैया मुझे 20 रुपए लीटर वाला दूध चाहिए, वो बोलेगा है। 60 रुपए वाला चाहिए, वो बोलेगा है। क्या फर्क है दोनों में? बोले 20 रुपए में मैं क्या करता हूँ, बहुत सारा पानी लेता हूँ उसमें थोड़ा दूध डालता हूँ, और 60 रुपए वाले में क्या करता है वो, बहुत सारा दूध देता है लेकिन पानी, हाँ पानी डालना अनिवार्य है, इसलिए उनको क्या बोलना? सोल्यूशन वाले का। तो वो जो सोल्यूशन वाला है, चलो छोड़ दो अभी ये दोनों, ये सब एग्जांपल बाजू में रखे, नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सोल्यूशन, दो टाइप के सोल्यूशन है। फर्स्ट वन इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन, सेकंड वन इज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। हाउ कैन यू डिफाइन डाइल्यूट सोल्यूशन? द सोल्यूशन इन विच देर इज अ, वहां पे क्या रहेगा? डाइल्यूट सोल्यूशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे? डाइल्यूट सोल्यूशन में जहां पे सोल्यूट बहुत कम है एंड सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, उसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूट। बात समझ में? द सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पानी बहुत ज्यादा पतला वाला एंड सॉल्यूट इज बहुत कम
नींबू पानी क्या होता है ना, डेफिनेशन के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल आपको विजुलाइज, आपके डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स आप जब सीखते हैं या सामने लेते तो कंपैरिजन बिकम्स मोर, या कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन से अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी होता है। इसलिए मैंने बोला सीखने का नहीं, क्या करना है, खेलना है। तो वी हैव सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज अ सोल्यूशन। नाउ हियर वी से कि ये दूसरा हमारे पास में कौन सा है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। यहाँ पे सॉल्वेंट पानी बहुत कम है, वेरी लेस वाटर, एंड सोल्यूट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे यू कैन यूज द वर्ड लेस मोर, बाद में वो समझ में आना चाहिए ना, ये क्या हो गया मोर, नहीं लेस, हियर इट इज मोर। ऑलराइट, सो वी गॉट अ डेफिनेशन ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन एंड अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन को हम दूसरा नाम देंगे हाइपोटोनिक। टोनोसिटी या टोनोसिटी रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी देर के लिए, एंड हाइपो इज बिलो, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वर्ड हाइपो, बिलो। बिलो क्या है, क्या बिलो है, सोल्यूट, शुगर, सॉल्ट कम है, डाइल्यूट है। बोलते जाओ, ध्यान रखते जाओ, कॉन्सेंट्रेटेड, हाइपर टॉनिक, मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ऑलराइट, सो जस्ट गेट एक्वेंटेड विद दीज टू टर्म्स, क्योंकि ये टर्म्स हमारे लिए एग्जाम में आते हैं, तो टर्म्स को याद रखना अनिवार्य है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थ्री कंसेप्ट। मैं आपके सामने तीन कंसेप्ट रखता हूं। टेक थ्री बीकर, छोटा छोटा पॉट ले लो, हर एक में यू पुट वन वन सेल, अच्छा सा सेल डाल दो। फर्स्ट कंडीशन आउटसाइड सॉल्यूशन, मतलब जो बाहर का बीकर के बाहर का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन विल बी डाइल्यूट, एंड अंदर का सॉल्यूशन क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड। अभी ये दोनों में पानी ज्यादा कहां है, यस मोर वाटर, कॉन्सेंट्रेटेड में। और हमारा ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या बोलता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इन द सेंस यहां पे व्हाट विल हैपन, वाटर विल मूव इनसाइड, पानी अंदर चला जाएगा। एंड ये प्रोसेस को हम, पानी अंदर जा रहा है, हम लोग बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस, द प्रोसेस विल बी एंडोस्मोसिस। क्यों, वॉटर विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड में। वीडियो ऑफ करने के बाद में मन ही मन में अकेले में 2, 3, 4, 5, 10 मिनट बात करो, कहां से कौन कहां जा रहा है, डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है, हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक है, 10-15 मिनट बाजू वाले आपको बोलेंगे अरे पागल हो गया क्या, क्या बात करें, बोले नहीं ये मेरा फंडा है, ऐसा करो आप समझ में आएगा। सो दिस विल बी एंडोस्मोसिस। और एक बार सेल एंडोस्मोसिस हुआ, मतलब कुछ भी अंदर जाता है तो व्हाट विल हैपन, सेल मोटा हो जाएगा, सेल विल स्वेल, मतलब वो टायर में हवा भरते ना टायर कड़क हो जाता है, सेम थिंग हैपन। सॉरी, अभी अपने को टायर को पंक्चर करना है, मतलब क्या करना है, सीयर आउटसाइड सोल्यूशन डाइल्यूट है, सॉरी सेल के अंदर का सोल्यूशन जो है साइटोप्लाज्म डाइल्यूट है, जिसमें सेल डाला है वो कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या है, लेस वाटर, डाइल्यूट मतलब क्या है, मोर वाटर, पानी कहां जा रहा है, सेल के अंदर, बाहर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब वाटर विल मूव आउट, दिस विल बी एग्जिट एक्सोस्मोसिस, साइकिल पंक्चर हो गया ना, दिस वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। थर्ड कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल इज सेम, ऑलराइट, इनसाइड एंड आउटसाइड सेम, यहां पे ना, यहां पे क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर होता है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, वर्ड याद रखो इक्विलिब्रियम, हियर एवरी टाइम इक्विलिब्रियम मतलब आउटसाइड इनसाइड सॉल्यूशन मेंटेन करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए प्रोसेस होता है। ऑलरेडी यहां पे दोनों जगह सॉल्यूशन सेम है, तो पानी आ भी रहा है और जा भी रहा है, लेकिन सेल को कुछ भी फर्क पड़ रहा नहीं है। तो यहां पे ऐसे टाइम पे बोलेंगे कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इन द सेल, अभी सॉल्यूशन विद इन द सेल मतलब यस साइटोप्लाज्म, एंड आउटसाइड विल बी सेम, आई से इट इज आइसोटोनिक कंडीशन। कौन सा, आइसोटोनिक कंडीशन, एंड आइसोटोनिक कंडीशन में सेल का शेप में चेंज होता नहीं, बट मूवमेंट टेक्स प्लेस, थोड़ा अजीब लगेगा आपको बट ये ऐसा होता है।
है, ये पक्का याद रखो। सो बहुत सिंपल वर्ड में, बहुत नटशेल में आपके सामने तीन कंसेप्ट दिए हैं। कौन सा? सॉल्यूशन हाइपरटोनिक, सॉल्यूशन हाइपोटोनिक एंड सॉल्यूशन आइसोटोनिक। तो ये सारे कंडीशंस, ये सारे सॉल्यूशंस को एक इजी बेटर वे में आप ये याद रख सकते हैं। तो कौन से टर्म्स हमने यहाँ पे देखे? हाउ मेनी टर्म्स? ये पूरा एक स्लाइड है में, सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ऑलराइट, देन डाइल्यूट सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, 7 हो गए, एंडोस्मोसिस 8, एक्सोस्मोसिस 9, आइसोटोनिक सॉल्यूशन 10। 10 मिनट में 10 डेफिनेशंस, आपको सिर्फ 5 मिनट में सबके सब लिखना है। तो दिस विल बिकम मोर इजी फॉर यू, और आप इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आपको किसी ने पूछा व्हाट विल हैपन इफ सेल इज पुट इनटू अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो पता होना चाहिए हाइपरटोनिक मतलब यस इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। हम लोग क्या करते हैं हाइपरटोनिक वर्ड यूज करते हैं, मतलब पर्पजली जब मैं बोलूंगा कि सेल इज पुट इनटू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आई मीन ये सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सेल, ये पक्का याद रखो आप। अंडरस्टूड और नॉट? इफ आई से सेल इज पुट इट इनटू अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, माइंड इट क्या आउटसाइड सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। सो हियर वी पर्पजली रादर ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे आपको याद आना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही आपको बोला है क्या, वी ऑलवेज शुड रीड राइट रिवाइज एंड रिप्रोड्यूस। तो रिवाइज के लिए दो बातें हैं आपके पास में, एक तो आप क्या कर सकते हैं, यू प्रिपेयर वन लाइन क्वेश्चन एंड आंसर मैं लिखूंगा या ऑब्वियसली आप लिखेंगे, एंड एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं दूंगा, तो ट्राई टू रिमेम्बर दिस। ऑलराइट, सो हियर ये बेसिक कंसेप्ट हुआ रिगार्डिंग सोल्यूशन या रादर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्टिविटीज का। ये किसके लिए क्या पूरा तमाशा हम लोगों ने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेंस व्हाट विल हैपन अगर एक्सोस्मोसिस होता है, इफ एक्सोस्मोसिस टेक्स प्लेस, ये सेल है, सेल वॉल है ये, ऑलराइट, सेल वॉल के अंदर में वी हैव अ साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म में से पूरा पानी चला गया, एक्सोस्मोसिस हुआ मतलब आपका साइकिल पंक्चर हुआ, व्हाट विल हैपन पूरा सेल का फ्लूड अंदर जाएगा, सेल यहां पे क्या होता है श्रिंक, यहां पे सेल विल स्वेल, कौन स्वेल, कौन सेल क्या करेगा, स्वेल, स्वेल कौन, सेल, कंफ्यूज मत हो, सेल विल स्वेल इन एंडोस्मोसिस, सेल विल शो श्रिंक इन एक्सोस्मोसिस। श्रिंकेज ऑफ अ सेल, यस सी, श्रिंकेज ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय एक्सोस्मोसिस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। वर्ड याद रखो, क्या बोलते हैं वर्ड को, व्हेन सेल श्रिंक्स इट शोज द फेनोमेनन ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। कौन सा फेनोमेनन बताएंगे, प्लाज्मोलाइसिस का। ऑलराइट, सो दीज आर द टर्म, अभी ये 11वां टर्म आपके सामने आ गया, लिखते जाना है, रगड़ते जाना है, क्या रीड, देन रीड के बाद में राइट, देन रिवाइज एंड लास्टली रिप्रोड्यूस, ये अपना फंडा है, ट्राई टू रिमेंबर दिस। ऑलराइट, नाउ लेट अस थोड़ी देर के लिए अपना इडली सांभर पे आ जाते हैं वापस। इडली सांभर में ये हमने बॉल लिए थे, इसके अंदर ये पतला कपड़ा डाले थे, और खेलना है ना, खेलते रहेंगे, बीच में इडली डाला है, ऑलराइट, एंड ये सांभर है पक्का। नाउ हियर अपने इडली थोड़ा पतला करेंगे, मतलब इडली को सेल वॉल लगाएंगे, ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इडली के अंदर भी फ्लूइड रहेगा। तो ये थ्री डायमेंशनल विजुअलाइज करने के बाद में हम लोग अभी क्या करते हैं, सेल को टू डायमेंशनल वे में लेके आते हैं, सेल, देन वी हैव अ न्यूक्लियस, ऑलराइट, देन न्यूक्लियस का ये जो बाउंड्री है, यहां पे भी हमारे पास में फ्लूइड मैट्रिक्स है, एंड हियर ऑल्सो वी हैव अ फ्लूइड मैट्रिक्स। एनी सेल यू टेक, एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सेल इज बीइंग टेकन केयर बाय वन
दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्टिव फंक्शनिंग या एक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल का एक्टिव फंक्शन इज टेकन केयर बाय मैट्रिक्स, ये सबसे पहला ही है मैट्रिक्स, ये दूसरा, ये तीसरा। ऑलराइट, मतलब कौन कौन, टू रिकैप, वी हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस के अंदर वाला फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म, ये भी फ्लूइड, ये फ्लूइड एंड ये आउटर मेम्ब्रेन, ये भी बहुत एक्टिव है, इट शोज कंटिन्यूअस मूवमेंट। सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल इज नोन एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, ये आपको एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अकेले रहेगा, बट ये तीनों एक साथ, उनको हम टर्म यूज करते हैं प्रोटोप्लाज्म। द टर्म यूज इज प्रोटोप्लाज्म। सो एक्टिव पार्ट, एक्टिव सब्सटेंसेस ऑफ अ सेल, रादर प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल या फिजिकल बेसिस जिसको हम बोलते हैं। ट्राई टू रिकॉल दिस थिंग, या इन शॉर्ट आप याद क्या रख सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म अलोंग विद देयर मेम्ब्रेन, ये बोलना मत भूलिए। तो हमने यहां पे क्या देखा है कि ये जो अपना इडली सांभर वाला पार्ट है, इसका फ्लूइड का नेचर एंड टर्म्स क्या है, दैट वी विल सी। नाउ अहेड विल गो, ये पूरा देखने के बाद में हम अभी थोड़ा स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो भी मेजर सेल ऑर्गेनेल है, मेजर सेल का कंपोनेंट है, उसको एक टैगलाइन ऐड करो। तो हमने न्यूक्लियस के लिए क्या टैगलाइन ऐड किया था, टैगलाइन टू द न्यूक्लियस वॉज यस रजनीकांत ऑफ सेल। क्यों रजनीकांत, बहुत सारे मूवीज देखते रहेंगे, वो फटाफट कुछ तो भी हाथ घुमाता है, इधर के उधर आ जाता है, रोबोट हो गया, कोई भी मूवी देखा ये ऐसा ऐसा कुछ तो भी करेगा, आ जाएगा वापस, वैसा अपना कौन है, न्यूक्लियस। किसने ढूंढा था न्यूक्लियस ने, यस न्यूक्लियस वॉज बीइंग डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन हैड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। ऑलराइट, सो अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस का, तो टैगलाइन क्या है न्यूक्लियस के लिए, इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस को ड्रॉ करते हैं फटाफट, सो दैट आपको भी थोड़ा सा समझने के लिए इजी हो जाएगा। डायग्राम्स मैन वेरी बैड, बट आपसे कम से कम समय में ब्यूटीफुल डायग्राम्स ड्रॉ करवा के लेने की जिम्मेदारी मेरी। विल गो, विल हैव सम डायग्राम सेशंस विच आर बीइंग प्लान्ड अहेड, बट अब आज का प्लानिंग जो है वही सीख लेते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस। अभी ये डिजाइन मेरे मन का नहीं है, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आपको एक छोटी सी मैं बात बोलता हूं, यहां छोटी सी नहीं, अभी बोल ही रहा हूं कंटिन्यूअसली तो छोटी क्यों, अच्छी बात बोलता हूं। इसके बाद में कोई भी सेल ऑर्गेनेल वर्ड यूज करूंगा, तो यू मस्ट रिमेंबर ईच सेल ऑर्गेनेल इज मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स आप कोई भी सेल ऑर्गेनेल ले लो, उसको खुद का एक मेम्ब्रेन होता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं, मैं थोड़ा एग्जांपल ज्यादा देता हूं, आप बोलेंगे सर थोड़े पागल ऐसे बहुत क्या बोलते रहते, नहीं ये ऐसा ही। सपोज आप 5-6 फ्रेंड्स हैं, आपको कुछ ब्रेकफास्ट करना है या कुछ पार्टी वार्टी खाने का मन किया, स्नैक्स खाने का, एंड सबने डिसाइड किया लेट अस कुछ जाके लेके आते हैं खाने के लिए, बराबर नहीं, अपने पास में एक ही खाना है, काम है क्या है, खाना खाना और खाना बस, मेम्ब्रेन बाउंड। आप मिठाई शॉप में गए, दोस्तों का लिस्ट था, किसी को वड़ा पाव चाहिए था, किसी को समोसा चाहिए था, किसी को भेल, कोई बोला मुझे गुलाब जामुन, कोई बोलता है नहीं मेरे को रसमलाई चाहिए, तो ये पूरा लिस्ट लेके यू वेंट टू दैट
स्वीट मार्ट में और वहां पे आपने लिस्ट दिया। अभी स्वीट मार्ट वाला भी होशियार, उसने एक बड़ा थैली लिया और ये बड़े थैली में उसने पहले क्या डाला, आपको वड़ा पाव डाल दिया, फिर मिसल डाल दिया, फिर क्या किया वो इडली सांबर मंगाया था वो डाल दिया, फिर गुलाब जामुन डाल दिए, एक ने बोला मुझे भेल चाहिए था उसके ऊपर उसने भेल डाल दिया, बराबर एक नहीं है वो एक के ऊपर एक मॉस डालते जा रहा है और आप वो थैली घर पे लेके आए, चलेगा ऐसा? अरे हंसो मत, ये नहीं चलेगा भैया। तो क्या करना पड़ेगा, जो भी कुछ आपने मंगाया है बड़ी थैली के अंदर छोटा 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 कैरी बैग में वापस से पैक करके आपको लाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, एक मेनू इज वन सेल ऑर्गेनेल एंड हर एक का कैरी बैग इज मेम्ब्रेन। बहुत सिंपल है, खेल लिया, आ जाओ किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। ईच सेल ऑर्गेनेल इज मेम्ब्रेन बाउंड। बहुत सारे ट्रिक्स है, ये तो कुछ भी नहीं, आप बाकी जैसे जैसे चैप्टर विल गो अहेड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। न्यूक्लियस के पार्ट्स पहले लिखते हैं हम लोग, दिस आउटर मोस्ट पार्ट जो है न्यूक्लियस का, इट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑलराइट। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद में न्यूक्लियस शो सम ऐसे कुछ होल्स बताता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस के ऊपर के स्ट्रक्चर, सो दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। अभी न्यूक्लियर पोर क्यों, वापस से सेल नहीं समझ में आता, नहीं ये करते जवाब, ये न्यूक्लियस है इसको होल ले तो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में से कुछ मटेरियल अंदर जाएगा या न्यूक्लियस से कुछ मटेरियल बाहर आएगा। घर खुली दरवाजा खिड़की क्यों है, एक्सचेंज के लिए, बस सेम है, ऐसा मगअप करते नहीं जाना है आपको। न्यूक्लियर पोर के बाद में अंदर का फ्लूइड रस्सा क्या रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद में यू विल गेट अ डार्क स्ट्रक्चर हियर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन। अभी हमने साइटोप्लाज्म में आरएनए नाम का न्यूक्लिक एसिड देखा था, यहां पे वो स्टोर किया जाता है थोड़ी देर के लिए, प्रोटीन्स एंड आरएनए, जिसको हम वर्ड यूज करेंगे न्यूक्लियोलस। एंड बाद में आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कैसा भी ड्रॉ करो आप टेंशन लेने का, दिस वन इज नथिंग बट क्रोमैटिन रेटिक्यूलम। अलग अलग बुक्स में अलग अलग बोलेंगे, मैं बेसिक नाम यूज कर रहा हूं। यहां पे देखो उसको बायफर्केट करो, क्रोमैटिन। बायोलॉजी के 90% वर्ड्स यू विल हैव अ मीनिंग, ओनली द थिंग आपको उसको ब्रेक करके उसके मीनिंग ढूंढना है, क्योंकि लैटिन से वो डेवलप किए हुए। क्रोमा इज कलर, टिन मतलब थ्रेड, रेटिक्यूलम इज जाली, नेट, नेट इन द सेंस नॉट इंटरनेट, ये जाली बोलते उसको। नाउ व्हेन वी लुक सेल अंडर माइक्रोस्कोप तो आपको प्रोमिनेंट पार्ट दिखता है। अभी न्यूक्लियस दिखा तो न्यूक्लियस हमें एकदम रिवील स्ट्रक्चर कब मिला, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो उसमें स्टेन सेल मतलब सेल ट्रांसपेरेंट होते हैं या कलरलेस होते हैं कुछ पार्ट सेल के, तो पर्पसली वी एड सम कलरिंग एजेंट्स सो दैट दे कैन बी मोर विजुअलाइज्ड। इसलिए अंडर माइक्रोस्कोप न्यूक्लियस का कुछ पार्ट लुक्स लाइक अ नेट, थ्रेड जैसे कुछ पार्ट्स उसमें दिखते हैं, थ्रेड नथिंग बट द क्रोमैटिन रेटिकुलम। सिंपल लैंग्वेज में क्रोमैटिन रेटिकुलम इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्लांट, सॉरी ऑफ द न्यूक्लियस, एंड दिस जेनेटिक मटेरियल फॉर सेल इज नथिंग बट डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऑलराइट। एंड ये पूरा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड का छोटा सा पार्ट, एक छोटा सेगमेंट इज जीन, एंड दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स। ये सीक्वेंस देखिए आप, बहुत सिंपल एंड ल्यूसिड है एंड एकदम ऐसा बहुत मीठा है, नॉट इन टेस्ट,
समझने के लिए. सो हियर वी से दिस क्रोमेटिन रेटिकुलम इज नथिंग बट जेनेटिक मटेरियल नोन एज डीएनए, जिसका एक छोटा इतना इतना सेगमेंट, फंक्शनल सेगमेंट की बात करेंगे हम लोग. तो फंक्शनल, आई विल ऐड द वर्ड हियर, फंक्शनल सेगमेंट इज नथिंग बट जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स विद इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. हमारे बॉडी में बहुत सारे कैरेक्टर है, हमें सारे का अपना नमूना है, अपना अपना फंडा है ना, कलर, कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ हेयर, स्ट्रक्चर ऑफ, कोई भी कैरेक्टर आप ले लो, नॉट ओनली एनिमल, प्लांट्स के भी कैरेक्टर्स ले लो, फ्लावर, फ्लावर कलर, हाइट, सीड शेप, फ्लावर शेप, देन लीफ शेप, आप कोई भी कैरेक्टर ले लो, इट इज बिकॉज ऑफ दिस जीन. ये जीन की देन है, नॉट अ जीन प्लांट, दिस इज जीन, जीन. सो कैरेक्टर्स, नाउ दिस क्रोमेटिन रेटिकुलम. अब सम ऑफ यू मे आस्क सर, ये तो ऐसा है लेकिन सेल में क्रोमोसोम नाम का भी एक वर्ड होता है. यस yes, वो होता है. कब बनता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, आप अगर वो काइट फ्लाइंग करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग उड़ाने के लिए वो डोर चाहिए, मांजा बोलते उसको. तो जब हम बहुत सारा वो डोर लेके नीचे रख देंगे तो आपको इन द फॉर्म ऑफ रेटिकुलम मिलेगा. आप ऐसा उठा के घर में लेके जाते क्या? नहीं जाते, कुछ भी पागल जैसा है. आप क्या करते हैं? उसको ऐसा राउंड 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 करते हैं, ऑलराइट. और राउंड करने के बाद में ये उसको एक स्पेसिफिक वे में आप उसको क्या करते हैं? रैप करते हैं. तो वो जो रैपिंग आता है, ऐसा रैपिंग आता है, ऑलराइट. नाउ दिस इज क्रोमोसोम. यहां पे सोम मतलब बॉडी, क्रोमाइज कलर. सी बायोलॉजी, ये कब होता है या क्या होता है? इट दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. एंड ये कब होता है? इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेल डिविजन. इज दिस इज वन ऑफ द पैकेजिंग मेथड. एक गांव से दूसरा गांव में जाने तो आप कपड़े में प्रेस वेस करके उसको पैक करके डब्बे में बैग में भर के लेके जाते हैं. ऐसा पूरे खुले खुले नहीं लेके जाएंगे ना, वो तो मिस हो जाएंगे. तो यहां पे दिस पैकेजिंग इज बिंग डन बाय दिस मूवमेंट. तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ये कि दिस पैकेजिंग मतलब कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए. ये डीएनए अकेला नहीं होता है, डीएनए के साथ में ये जब क्रोमोसोम बनता है तो इट इज डीएनए प्लस सम प्रोटीन्स. डीएनए और उसके साथ कुछ प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं उसको. मैं जानबूझ के कुछ बातें थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, सो दैट आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इसका फायदा होगा, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या आप भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे प्रिपेयर कर सकते हैं. सो दिस विल बी डीएनए. सो इन शॉर्ट फंक्शंस देखेंगे. व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? इट इज अ बाउंड्री बिटवीन. किसके बीच में ये बाउंड्री है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. शॉर्ट में लिख सकते हैं. न्यूक्लियर, न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन है? एज वी हैड डिस्कस्ड, इट अलाउ, इट इज अ पैसेज. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? इट इज साइट फॉर ऑल द न्यूक्लियर रिएक्शन, साइट ऑफ प्रोसेसेस. अभी आप जब खुद लिखेंगे तो आपके भी कुछ वर्ड्स इसमें यूज कर सकते हैं. मींस न्यूक्लियस में डीएनए तैयार होना, क्योंकि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये खुद का खुद रेप्लिकेट होता है, इससे आरएनए भी तैयार होता है. तो ये तैयारी के लिए चाहिए ना. किचन में कुछ अगर बनता है, सब्जी बनती है, चपाती बनती है, कुछ खाना बनता है, उसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए ना. कहाँ पे होता है रॉ मटेरियल? किचन का, बेडरूम में होता है क्या? कुछ भी बोल रहे, किचन में रहेगा. तो वैसा न्यूक्लियस के अंदर व्हाट एवर एक्टिविटीज दे आर बीइंग कंटिन्यूड, व्हाट एवर एक्टिविटीज आर बीइंग कैरिड आउट, तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इज प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ. देन वी गॉट अ डार्क स्ट्रक्चर कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस. तो न्यूक्लियस में व्हाट यू गेट इज अ, इट इज अ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन. सो विल से इट इज आरएनए प्लस प्रोटीन्स. एंड देन वी हैव क्रोमेटिन रेटिकुलम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. वी आर डिस्कस इन ग्रेट डिटेल दिस. दिस क्रोमेटिन रेटिकुलम इज नथिंग बट द थ्रेड, जेनेटिक मटेरियल, एंड इट कंटेन्स द स्ट्रक्चर विच इज नोन एज अ जीन. जीन क्या देते हैं अपने को? दे प्रोवाइड कैरेक्टर टू अस. क्या प्रोवाइड करेंगे वो? कैरेक्टर्स. सो जीन्स दे प्रोवाइड कैरेक्टर. तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ क्या हुआ? न्यूक्लियस. इसलिए एट लास्ट हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस इज रजनीकांत ऑफ द सेल. क्यों? क्योंकि सेल के अंदर आप कोई भी प्रोटीन चाहिए, सेल के अंदर आप कोई भी फंक्शन करवाना है, विदाउट परमिशन ऑफ न्यूक्लियस आप नहीं करवा सकते. तो न्यूक्लियस में से ऑर्डर आना कैसा है?
अनिवार्य है। तो ये हमारे लिए स्ट्रक्चर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, थैंक यू।